प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर देशों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी के इस दौरे से चीन में खलबली मची है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पीएम मोदी अब समंदर में भी चीन की मनमानी को खत्म करने का मन बना लिए हैं और इसीलिए चीन को घेरने के लिए एशियाई देशों से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और इंडोनेशिया के बीच मैरीन इकोनॉमी और सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कुल 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी बात हुई है। इंडोनेशिया ने भारत को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अपने सवांग बंदरगाह के सैन्य और आर्थिक इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। रणनीतिक तौर पर इसे पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा की सबसे अहम सफलताओं में से एक माना जा रहा है। इसकी मदद से पड़ोस में भारतीय नौसेना की ताकत में और भी इजाफा हुआ है। मलक्का जलसंधि के ठीक मुहाने पर मौजूदगी सवांग बंदरगाह को काफी अहम बनाती है। मलक्का जलसंधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच की सबसे अहम शिपिंग लेन और सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। सबमरीन के लिए भी सक्षम इस बंदरगाह तक भारत की पहुंच होने से इस इलाके में चीन के बढ़ते वर्चस्व को काउंटर किया जा सकेगा। यानी पीएम मोदी का संदेश साफ है कि भारत शांति चाहता है और अगर उसकी शांति में कोई भी खलल डालेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।